दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन नियमों का आप सख्ती के साथ पालन कर रहे होंगे। ये अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। दरअसल आज लॉकडाउन पार्ट टू का 39वां दिन है और इस 39वें दिन भी हालात वही है जो पहले हुआ करते थे। अलबत्ता प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ जैतान शहर में कुछ बदलाव आया, यानी कि अब जैतान शहर में प्रशासन की सख्ती के बाद लगातार जो दुकानदार है वो अपने समय अनुसार पहले ही समय से पहले ही दुकानों को बंद कर रहे हैं। जो अनावश्यक दुकानें जो 2-4 दिन पहले खुल रही थी वो दुकानें अब धीरे धीरे स्वतः ही बंद होने लगी। दरअसल नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कल और पिछले 2 दिनों से लगातार ऐसे दुकानों की निगरानी किए जाने के बाद और उन पर सख्ती रुख अपनाने के बाद उन्होंने आज न तो वो दुकानें खोली, नहीं वो लोग आए। हाँ, ज़रूर इस बाज़ार में कुछ भीड़ भाड़ रही, लेकिन वो नज़ारा नहीं रहा जो 2 दिन पहले मेरा आपने मेरे इस वीडियो में देखा होगा। ऐसा नज़ारा आज नहीं देखा। पुलिस का जगह जगह पहरा है और होना भी चाहिए। और बताना चाहूँगा कि जैतान पुलिस ने जो जैतान शहर के प्रमुख ऐसे शॉर्टकट मार्ग थे जो सील किए गए थे, उसके बावजूद भी लोग उन मार्गों का तोड़कर जैतान शहर में प्रवेश कर रहे थे, उन मार्गों को भी देर रात्रि को बंद कर दिया गया। यानी अब जैतान शहर में प्रवेश करने के लिए केवल 3 मार्ग रह गए, जिसमें निम्बा से जैतान मार्ग और बिलाड़ा से जैतान मार्ग और मेहता से जैतान मार्ग। ये प्रमुख 3 ऐसे मार्ग हैं जिन मार्गों से प्रवेश किया जा सकता है। अलबत्ता अनाधिकृत रूप से जो मार्ग थे उन मार्गों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, उन मार्गों को सील कर दिया गया, यानी जहाँ कच्चे मार्ग थे वहाँ खंदकें बना दी गई है, कई जगह जेसीबी से गड्ढे भी खोद दिए गए हैं। बहरहाल स्थिति यही है कि प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रहा। हालांकि अभी तक इस जैतान शहर में कोरोना महा संक्रमण का कोई रोगी नहीं पाया गया है। इस जैतान शहर की बात कर रहा हूं मैं, जिले भर में तो कुछ आए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जैतान में स्थिति कुल मिलाकर जो लोगों का संयम है, जो लोगों का जो प्रशासन का जो सहयोग मिला उसकी बदौलत आज हम पूरी तरह से सुरक्षित है। और उम्मीद करता हूँ कि आप घरों में रहेंगे, प्रचंड गर्मी आप देख रहे होंगे, मेरे भी हालात देख रहे होंगे, मेरा रूप रंग भी आज शायद आपको अलग नज़र आ रहा होगा। ये कहीं ना कहीं से गर्मी का असर है, इसी लिहाज से हमने आज अपना रूप भी परिवर्तित किया। हालांकि मैं आई भी खा नहीं हूँ, लेकिन दिखने में आज कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि आप हालात भी आप देख सकते हैं, सब कुछ बदला हुआ था, आज मैं भी अपने आप को बदल रहा हूँ। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे और घरों में रहेंगे। हमारा जो नियम है सरकार के उसका आप पालन करें। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। मैं इस समय जैतान स्थित अंबेडकर भवन के ठीक सामने मौजूद हूँ, जहाँ चिकित्सा प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, जो प्रवासी लोग जो बाहर से आएंगे उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए परीक्षण केंद्र बनाया गया। लंबा चौड़ा परिसर है जहाँ प्रवासी लोग आएंगे, उनको यहीं उनका स्वास्थ्य का परीक्षण करके उनको होम आइसोलेट या अन्य जगह स्थानांतरण किया जाएगा। ये वही केंद्र है, एहतियात के तौर पर बनाया गया है और ये बनाना लाजमी भी था, चूँकि राजकीय चिकित्सालय में इन दिनों आउटडोर की संख्या भी ज़्यादा और चूँकि प्रवासी लोग हैं, हो सकता संक्रमित तो हालांकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। बावजूद इसके प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये जो प्रशिक्षण केंद्र है स्थापित किया गया है, ये करना भी चाहिए, उनके लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण एक अलग चिकित्सकों के द्वारा यहाँ किया जाएगा। तमाम ऐसे लोग जितने भी इस जैतान एरिया के, जैतान क्षेत्र के जितने भी प्रवासी लोग जो बसों या विभिन्न साधनों के माध्यम से आएंगे, उनकी जांच यहीं की जाएगी और यहां जांच होने के बाद ही उनको जहाँ चिकित्सकों को जो उचित लगेगा वो उचित कार्रवाई वो करेंगे। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। मैं इस समय ठीक प्राइवेट बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। ये बस स्टैंड भी पूरी तरह से वीरान है। जैसा मैंने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और प्रचंड गर्मी है और इस गर्मी को देखते हुए एक किसी भाई साहब दानदाता ने हमें छाता भेंट किया। अच्छा लगा ये बार बार की अपराधी थे, उन्होंने भी हमारा दर्द देखा। पिछले कई दिनों से इसे चिलचिलाती धूप में हम लगातार, मैं और मेरा कैमरामैन, इसे प्रचंड गर्मी में जैतान के जो अपडेट दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी दर्द जगा। मैं उनका तय दिल से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, वो हमें छाता भेंट किया। दरअसल बात बताना चाहूँगा, जैतान में स्थिति सामान्य है और चिकित्सा प्रशासन ने अब तक 3 बार डोर टू डोर सर्वे
के करने का कार्य पूरा कर दिया, यानी कि अब तक इस जैतान शहर में कोई ऐसा संदिग्ध मरीज नहीं मिला और उम्मीद करते हैं नहीं मिलेंगे। और एक बार फिर उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने घरों में रहे, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन नियमों का सख्ती के साथ पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। और दानदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन ने पार्ट 3 यानी 17 मई तक बढ़ा दिया गया। ऐसी स्थिति में हमें एक बार फिर उन्हें जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए आगे आना होगा, चूँकि 17 दिन का समय बहुत लंबा समय रहेगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मारवाड़ की अपमानित है वो बराबर आप उस पर कायम रहेंगे, जो लगातार आप व्यवस्था करते आ रहे हैं वो व्यवस्था बराबर उनके लिए कायम रहेगी, चूँकि बहुत से इस इलाके में दानदाता है जिनकी सक्रिय भूमिका रही है। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं आपको कुछ चुनिंदा लोगों से बात करूँ, उनकी इज्जत से हम बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना का नहीं है, हम उनकी सहमति से बात करते हैं। हम जैतार पुलिस के साथ भी भ्रमण करेंगे, जैतार पुलिस इसे लॉकडाउन की स्थिति में क्या रुख अपनाती है, तो जैतार न्यूज उस गाड़ी के साथ भी आज साथ गई है। तो बहरहाल तमाम मेरे चाहने वालों से आग्रह करना चाहूँगा वो घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और जितने भी प्रवासी लोग हैं, जो भी प्रवासी आ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। जो चिकित्सक आपको सलाह दे उस सलाह को आप जरूर माने, घर में रहे या अन्य जगह आपको कहीं रखे तो आप लगातार उनके निर्देशों का पालन करें, बार बार यहाँ आने बाहर घूमने की हिमाकत नहीं करें। धन्यवाद, देखते रहे जैतार का सबसे बड़ा जैतार न्यूज यूट्यूब चैनल। मैं आईबी खान कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जैतार न्यूज के लिए धन्यवाद। मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, आप हमारा जैतार न्यूज यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। हम जैतार के ताजा अपडेट इसी तरह लाते रहेंगे। हम सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद। मारवाड़ी बोलूँ तो आप रमज मा जी हाँ माँ से मैं थानू जान चाहूँ लाड़ा कई दिनों था घर में बंद हो, कई तकलीफ आ रही है थाने? तकलीफ चीज नहीं आ रही है, ये हमारे काम बंद है, एक लंग टावर है, एक का एक है बच्चों बंद है, काम कहीं खावा कहीं करा, और ने खाने पी उन्हें बहुत है, पर घर ही हल्लो रहने का थोड़ा गुना। तो सरकार ने थाने गाँव दिया है, राशन पानी तो दियो ही रहला, राशन पानी सब आवे है, सब खाने मिले है, पर धंधो ही लेना थोड़ा। हाँ क्या होनी चाहो थानो जो मोटिया रहे है, जो को टेम्पू चला लाड़ा कई दिनों घर बैठो ओ हो है नी? हाँ घर बैठो, आज 2 महीना रिया कमाई नहीं रह रही है, पैसा नहीं आ रहा, नहीं रह रही है पैसा भी नहीं करो, खाने फिर उन्हें मिले पड़े सेवान चढ़िए, कोई कोई तीर निटे रे निटे। हाँ बढ़िया, समुद्र भी निट जावे। हाँ जन बोलो बताओ कई कई तीर देवे, लोग सब अनाज देवे है, खाने पीने खूब आवे है। हाँ भगवान वाणो बोलो करी, देवनाड़ा बोलो करी, देवनाड़ा बोलो करी, पर हमारी अंगला काम बंद है के मासा में थानू जान जो था घर में कितना देना हैंग देना। हाँ देना टेम्पू में तो 8 जीव। हाँ अच्छा माने एन भाई साहब हमें तो 8 जना। हाँ 8 जीव। हाँ ये टेम्पू चलावे, ये टेम्पू चलावे, चलना ही लगना रखो नहीं। हाँ दूजा पूरा परिवार एन माते है, एन माते जे पूरे परिवार एन माते जे सा भगवान एने हजत हजत के जीव तरह के था घर में रिजो आराम घर में रिजो बंदा घर में बंदा मारे नहीं नेरा घर में बंद है और टाबरा ने आकी जो घर में रिजो थानी उम्र है थानी घर में रिजो कोई दुख तकलीफ रही तो माने की जो। हाँ दुख तकलीफ है तो घर में ही रहा आटा ही नहीं खोला। हाँ तो ये हाँ एक माता जी जो अपनो दर्द बयान कर रहा है एने हिंदी बोल रही नहीं आवे तो मैं एने बासरमान मारवाड़ी में जी बात करी, आप देखो हो के घड़ा जाना क्या उन्होंने मतलब वो है कि एकला परिवार धनी है भाई जो को एन माते ए पूरा परिवार एन माते बोझ भुड़ियोड़ो हो और माता जी अपनी जो व्यथा है वह बता रहा था। आप लोगों से निवेदन है घरों से बाहर नहीं निकले बिना काम के, बिना अति आवश्यक काम के घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है, बहुत ही जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलना है। और जहाँ तक है मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं करें, आप लोगों को पैदल ही घर से जाना है मार्केट तक सामान लाने के लिए, किराना का सामान लाना और सब्जी का सब्जी मंडी में जाना है तो पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है, मोटरसाइकिल का प्रयोग जहाँ तक हो बहुत ही कम करें और अपने घरों में रहें,
जब आप बाहर निकलते हैं काम से तो बिल्कुल उचित दूरी बना के रखनी है आप लोगों को, 1 से 1.5 मीटर का फासला एक दूसरे के बीच में रहना चाहिए, ऐसे चिपक के नहीं चलना है। 11 बजने वाले हैं भैया, 11 बज चुके हैं। ये आप पुलिस की गाड़ी को देख के अंदर जाते हो, पुलिस की गाड़ी जो निकलती है आप घर से बाहर आके बैठ जाते हो। ये अपने आपको धोखा नहीं दे रहे हो, पुलिस को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आपको धोखा दे रहे हैं आप लोग। इसलिए आप घरों के अंदर रहें, हम बाहर हैं आपकी सुरक्षा के लिए, हम घूम रहे हैं, आप मस्त रहिए। वाहन का प्रयोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में करना है, वरना अपनों को पैदल ही निकलना है मार्केट सामान लाने के लिए। और जहाँ तक है घर के अंदर ही रहना है, बहुत ही जरूरी काम है तो ही घर से बाहर आना है, वरना घर से बाहर नहीं निकलना है। और जब भी आप अत्यावश्यक काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बिल्कुल उचित दूरी बना कर रखनी है एक दूसरे से, हाथ में सैनिटाइजर रखना है बिल्कुल। आप जहाँ भी जाते हैं कहीं किसी चीज़ को छूते हैं तो उससे पहले उसको आप सैनिटाइज कीजिए हाथ को, बिना सैनिटाइज किए किसी भी चीज़ को नहीं छूना है। आप लोग यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठना नहीं है, अभी बैठने का उचित टाइम नहीं है, बाहर नहीं बैठेंगे आप, ये उचित समय नहीं है बाहर बैठने का, आप अपने घरों में रहिए। पुलिस प्रशासन बिल्कुल 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार है, बाहर घूम रहे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। क्या ध्यान करो, ये दूरी बना के रखो, ऐसे काउंटर पर खड़े मत होने दो किसी को, बिल्कुल जो गोले हैं दुकान के सामने जो गोले बना रखे हैं ग्राहक उस गोले में खड़ा रहेगा, और काउंटर से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा रहेगा ग्राहक। ये दुकानदार से भी इंश्योर करें के ऊपर हर दम जब भी आप बाहर आते हैं मुंह के ऊपर मास्क रहेगा, बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये आप थैला यहाँ बीच में रास्ते में लगा दिया आपने, आज के बाद नहीं लगाओगे यहाँ थैले, 10 बार मना कर दी नारा हम नहीं कौन मामा तो कोई, आप साइड में लगा दीजिए, जगह पड़ी है भैया। मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं करना है, मोटरसाइकिल का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में करना है, विशेष परिस्थितियों में ही मोटरसाइकिल का प्रयोग करना है। 11 बज गए हैं आपके, 11 बज चुके हैं, आपने अभी कुछ भी नहीं लगा रखा था, पुलिस को गाड़ी के देखती आपने ये सफ़ेद गमछा लगा लिया, ऐसे नहीं करना है, मास्क रख रहा है मुँह पे। मोटरसाइकिल का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में करना है, वरना पैदल ही घर से आना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मास्क हर टाइम मुँह पे रहेगा, अपनी सुरक्षा पहले है, अपनी सुरक्षा आप लोगों की सुरक्षा आपको उस समय करनी है सबसे पहले। मास्क रखिए भैया, ऐसे खुले में नहीं बैठे, किसी को भी ऐसे चिपक के खड़े नहीं होना है एक दूसरे के बगल में, बिल्कुल उचित दूरी बनाए रखनी है। और ये दुकान के सामने जो गोले है उसमें खड़े रहना है, ऐसे नहीं खड़े होना है। आपका 11 बजे तक का टाइम था वो पूरा हो गया, ऐसे चिपक के खड़े मत रहो आप एक दूसरे के, 1 से 1.5 मीटर की दूरी बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना है किसी भी सूरत में, यही बचाव का उपचार है भैया। मोटरसाइकिल पे नहीं घूमना है 11 बच्चों की, अब बाइक पे नहीं घूमना आप लोगों को, अब अपने अपने घर चले जाइए, अपने अपने घर चले जाइए और आराम से रहिए, ऐसे नहीं घूमना है एक दूसरे को, ठीक है ना। हम आपकी सेवा के लिए बाहर घूम रहे हैं, मस्त रहो आप लोग, मुँह पर मास्क रखिए दादाजी, आप लोग बाहर बैठे हो आपके मुँह पर मास्क भी नहीं है, ये गलत चीज़ है, बिना मास्क के तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। राजस्थान सरकार का आदेश यही है, बिना मास्क के कोई आदमी बाजार में नहीं आएगा, ये अभी उचित टाइम नहीं है बैठने का, उचित समय नहीं आया अभी बाहर बैठने का, अंदर बैठिए आप लोग, किसी भी सूरत में बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना है, अत्यावश्यक कार्य से ही बाहर निकले, और बाहर निकलते वक्त अपने मुँह पर मास्क रखेंगे, हाथ में सैनिटाइजर रखें, किसी भी चीज को छूने से पहले और बाद में अपने हाथ को सैनिटाइज कर ले। हाँ बाबू साहब, आप कितने बना ले लेते हो ये मास्क जतन में? अभी तो साहब मैं कम से कम 300-400 बना चुका हूँ, और अभी तक मैं सेवा कर रहा हूँ सब जनता के लिए, यानी निशुल्क है? निशुल्क है, कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं है, और जब तक लॉकडाउन है जब तक मैं बनाता रहूँगा और सेवा करता रहूँगा। अपनी ओर से निशुल्क सेवा देते हो? बिल्कुल सर। आपकी दुकान कहाँ आई है जो लोग आके ले जा सके? ये पुलिस थाने के पास है सर, और बोपाड़ी मस्जिद के पास है मेरी दुकान, और ऐसे ही मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ और मास्क बना के फ्री सेवा करता हूँ। कोई भी आके ले जा सकता है? कोई भी आके ले जा सकता है, सबके लिए? सबके लिए है।